राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बुराड़ी के संत नगर में बिल्डर को बदमाशों ने गोली मार दी। ये वारदात संत नगर बुराड़ी के लेबर चौक पर हुई, जहां अमित गुप्ता नाम के एक शख्स को दो अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। मौजूद लोगों ने तुरंत अमित गुप्ता को घायल अवस्था में मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की तफ्तीश शुरू की। सुनील खेड़े, यहां पर तकरीबन 12:53 पे हमें एक PCR कॉल मिली थी कि यहां कोई फायरिंग हुई है, किसी बिजनेसमैन की गोली लगी है। मौके पर यहां पर 100 मीटर रोड पे ही जब पहुंचे तो पता चला बिजनेसमैन को कोई दो लड़के जो अज्ञात थे यहां फायरिंग करके चले गए हैं, और जो बिजनेसमैन है उनको वहां एक हॉस्पिटल है यहां पर भेज दिया गया है। सर कितने राउंड गोली चली है यार? पहला मामला आया, इसको हम खोलेंगे। सर कितने राउंड गोलियां चली हैं, कितनी गोली व्यापारी को लगी हैं? तकरीबन 6-7 गोलियों का अभी तक पता चला है, और बाकी उसका जो मेडिकल में आएगा उस लिहाज से। सर अभी क्या कोई रंगदारी का मामला सामने आ रहा है, कोई आपसे रंजिश कुछ? टीमें हमने बनाई हैं अलग अलग तरीके से, जो भी होगा। अमित गुप्ता 48 साल के हैं और वे परिवार के साथ मॉडल टाउन में रहते हैं। संत नगर में उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि गोली मारने की ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली।